वाओ, नंदिनी आंटी ने मम्मी को इयररिंग्स दिए। नाइस ना? नाइस। चलो अब देखते हैं इरफान अंकल ने क्या दिया। इरफान अंकल ने परफ्यूम दिया मम्मी को। नाइस ना? अच्छा है, लेकिन मैंने जो मम्मी को गिफ्ट दिया वो तो इससे भी ज्यादा अच्छा। नीति, ऐसा नहीं करते बेटे। जो भी गिफ्ट दे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी का गिफ्ट किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। बुरी बात है। सॉरी नानी, ये थोड़ा सा आपके लिए और ये मेरे लिए। दीदी क्या कर रहे हो? ये मम्मा का है, हमारा थोड़ी है। तो क्या हुआ? मम्मी तो मेरी है ना, जो मम्मी का है वो मेरा है। लॉजिक। चलो अब एक और खोले। ये है शबाना आंटी का। शबाना आंटी ने क्या दिया? वाओ, ब्यूटीफुल है ना? और जेनिफर आंटी ने और अभया मासी ने बुके दिए ना? और कार्ड्स भी। चलो अब ये सारे गिफ्ट्स हम रख देते हैं। उसके बाद हमें शॉपिंग जाना है ना, किचन का सामान खरीदना है सारा। नानी, पार्टी में नंदिनी आंटी ने रतन अंकल को थप्पड़ क्यों मारा? वो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? देखो नहीं थी, अभी मम्मी के गिफ्ट सारे गिर जाते। समझ गई, आप मुझे नहीं बताना चाहते ना कि नंदिनी आंटी ने रतन अंकल को थप्पड़ क्यों मारा। बट आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे भी रतन अंकल अच्छे नहीं लगते। नीति, अरे भागवान कहाँ चल दी? विजया दीदी के घर माँ से मिलने। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से विजया दीदी मुझसे भी नाराज है। वो तो हमें माफ करेंगी नहीं, लेकिन अगर माँ को मुझ पे तरस आ गया तो शायद वो दीदी को मना ले। एक आखिरी उम्मीद अब बस माँ से ही है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। रतन, नहीं चली जाना बाबा, थोड़ा सब्र कर लो। देखो एक आध दिन में ये मामला ठंडा हो जाएगा और तुम्हारी दीदी का दिमाग भी। रतन, तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आ रही है? दीदी ने साफ लफ्जों में कह दिया है, कैफेटेरिया का सामान समेट लो। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पियेंगे। हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले, तेरे लिए भी है। आज मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू, अरे शाम। यस सर। कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे,
ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।